अंडरस्टैंड, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, हीम, हीम मीन्स होता है ब्लड, एंड स्टेसिस, और क्या है स्टेसिस, स्टेसिस मीन्स होता है स्टेबल और स्टो, ठीक है, तो ये हेमोस्टेसिस। तो अब हमने डिफिनेशन क्या लिखा है, इसमें डिफिनेशन लिखा है कि व्हेन एनी ब्लड वेसल इज इंजर्ड देन द ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय अ नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड हेमोस्टेसिस, ठीक है। जब मेरा कोई भी ब्लड वेसल इंजरी होता है यानी कटता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, तो वही ब्लीडिंग मेरा क्या होगा, एक नेचुरल प्रोसेस से स्टॉप होगा, दैट इज कॉल्ड हेमोस्टेसिस, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला है, दूसरा डिफिनेशन में प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस बाय स्टॉपिंग द ब्लीडिंग ऑल्सो नोन एज हेमोस्टेसिस, ठीक है। इसमें बहुत सारा स्टेप्स होता है, ठीक है, क्या क्या स्टेप है वो देख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स ऑफ हेमोस्टेसिस क्या क्या स्टेप होता है, तो नंबर एक वैसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, नंबर दो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेमोस्टेसिस भी बोलते हैं, प्राइमरी हेमोस्टेसिस, ठीक है। तीसरा क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, ये पढ़ाएंगे हमको डिटेल से, हम आपको बताएंगे, ठीक है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, ठीक है। ज्यादातर बुक्स यहीं तक आपको बताता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड कोगुलेशन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका फाइब्रिनोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, मेरा क्लोट जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो परमानेंट क्लोट क्या होता है, डिजोल्व होता है, ठीक है, डिजोल्व द क्लोट, इसमें क्लोट डिजोल्व कर जाता है यानी टूटता है, ठीक है। और बहुत सारा फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ये सब होता है जो कि मैक्रोफाज से इंगल्व करता है, ये भी बताएंगे आपको फाइब्रिनोलाइसिस। पांचवा क्या है, रीजेनरेशन और रिपेयर द डैमेज टिश्यू, ठीक है, जो डैमेज हुआ था मेरा इंडोथेलियम, ठीक है, वो क्या होता है, डैमेज टिश्यू रिपेयर होता है उसका, यानी नॉर्मल ब्लड फ्लो होने लगता है, ठीक है, थ्रोम्बस जो लॉस कर जाता है, तो वो चीज क्या होता है, क्योंकि फाइब्रोलाइसिस में वो डिजोल्व हो जाता है, तो फिर मेरा क्या होता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो होने लगता है। इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। जनरली आपको समझना क्या है कि पहले अगर मेरा कोई भी, ठीक है, इंडोथेलियम में कोई भी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा है, स्मूथली फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये रप्चर्ड नहीं हुआ है, ये इंजुरी नहीं हुआ है, इसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कोलेजेंस, ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर्स, सारा चीज फ्लो कर रहा है स्मूथली। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ट्रॉमा होता है, इंजरी होता है, तो क्या होता है, टिश्यू इंजरी हुआ, ठीक है, यहाँ पे इंजरी हुआ यानी कटा, ये कटेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, यानी कि ब्लड मेरा क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है, ये ब्लड मेरा बाहर आएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा ब्लड वेसल्स क्या होता है, ठीक है, इसमें कोलाजेंस एक्सपोज होता है और क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे, अब ये क्या करता है, जैसे ये आपका क्या है, ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा, ये मेरा ब्लड वेसल्स क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो अब क्या करेगा, ये मिनिमाइज करेगा, कम ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो कम करेगा, नहीं तो मेरा ब्लड, अगर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होगा तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहला क्या करता है, मेरा ब्लड वेसल्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, कोलेजन एक्सपोज होता है, एंड देन इंडोथेलियम क्या करता है। अब जनरली समझना आपको कि इंडोथेलियम पहले क्या वर्क करता है, इंडोथेलियम में आपके पास दो चीज है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन भी बोलते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है, एक टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन। ये क्या करता है, हेल्दी इंडोथेलियम में ये दोनों क्या करता है, वर्क एज अ एंटी प्लेटलेट वर्क करता है, यानी कि ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स को इंडोथेलियम में स्टिक होने नहीं देगा, ठीक है, एंटी वर्क करता है। अब मेरा क्या है कि ये एक्सपोज हुआ, मेरा कोलाजन एक्सपोज हुआ तो क्या होता है, इसमें फिर प्लेटलेट्स टेम्पररी प्लग फॉर्मेशन करता है। तो कैसे करता है, सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या करता है, इस पे एडहर करता है, यानी कि चिपकता है, प्लेटलेट्स इस पे क्या करता है, चिपकता है, ठीक है। एडहर करने के बाद प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स एडहर हुआ एंड देन, ठीक है,
फैक्टर्स है कुछ फैक्टर्स जो क्या करता है प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो मोर एंड मोर प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड और उसके शेप एंड साइज में चेंजेस आता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है एडीपी रिलीज करता है और ये क्या करता है ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स को क्या करता है एग्रीगेट कर देता है। तो यहां पे मेरा क्या हो जाता है, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेट हो गया। तो प्लेटलेट एग्रीगेट होगा तो क्या होगा वो, ठीक है, कोलाजन पे एग्रीगेट हो गया मतलब कि यहां पे मेरा टेम्पोरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है मेरा ब्लड फ्लो स्टॉप कर जाता है, बट ये टेम्पोरी है, ठीक है। इसको आप समझना है कि अगर मेरा इंजुरी लार्ज है, ठीक है, अगर मेरा इंजुरी लार्ज है तो मेरा क्या होगा कोगुलेशन कैस्केड यानी कि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस मेरा वर्क करेगा, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, ठीक है। अगर मेरा इंजुरी बहुत ही स्मॉल है बहुत ही छोटा है देन प्लेटलेट्स यानी प्राइमरी हेमोस्टेसिस इज एनफ टू फॉर्म अ क्लॉट, यानी प्लेटलेट्स अकेले काफी है क्लॉट करने के लिए, इसमें सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोगुलेशन देखिए लार्ज इंजरी है तो कोगुलेशन कैस्केड, कोगुलेशन कैस्केड में मेरा क्या है इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे कॉमन पाथवे एंड देन फाइनली लीड टू फाइब्रिनोजन का कन्वर्शन फाइब्रिन में, फाइब्रिन पॉलीमराइज होता है देन फॉर्म अ परमानेंट क्लॉट। तो यहां पे ये सब चीज होता है, ठीक है, यानी जब मेरा इंजुरी लार्ज होगा देन क्या बोल रहे हैं कि ये फाइब्रिन मेशवर्क फॉर्म करता है, फाइब्रिन मेशवर्क एंड देन क्लॉट कॉन्ट्रेक्शन, क्लॉट अब क्या करता है वो कॉन्ट्रेक्ट करता है, ठीक है, और सीरम रिलीज करता है। तो अब ये क्या होता है मेरा फाइब्रिनोलाइसिस होता है, ठीक है, ये फाइब्रिनोलाइसिस यानी कि जो मेरा क्लॉट बना था उसका क्या होगा लाइस होगा, यानी कि मेरा फाइब्रिन जो है फाइब्रिन स्टेबल फाइब्रिन था, ठीक है, वो क्या होता है उसका लाइसिस होता है यानी कि ये क्लॉट डिजोल्व होगा, ठीक है। फिर देन क्या बोल रहे हैं और ये क्या करता है नॉर्मल जैसे ही क्लॉट डिजोल्व हो जाएगा यानी कि थ्रोम्बस जो मेरा था वो क्या होता है डिजोल्व हो जाता है, अब मेरा क्या होगा हेल्दी, जिस तरह से मेरा हेल्दी, ठीक है, इंडोथेलियम था उसी तरह से फिर से वो क्या होगा ब्लड फ्लो स्मूथली करने लगेगा यानी रिस्टोर द ब्लड फ्लो एंड देन जो रिपेयर्ड मेरा जो डैमेज टिश्यू था वो क्या हो जाएगा रिजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल मेरा क्या हुआ हेमोस्टेसिस में होता है। अब हम लोग इसको एक एक चीज को समझेंगे कि मेरा प्राइमरी हेमोस्टेसिस में कैसे प्लेटलेट्स मेरा क्या होता है सबसे पहले एडहर करता है देन एक्टिवेट करता है देन एग्रीगेशन होता है, ठीक है, और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस यानी कोगुलेशन को हमको समझना है कि कोगुलेशन कैस्केड को समझना है। ओवरऑल हम लोग समझ लेते हैं हेमोस्टेसिस को क्या होता है, सबसे पहले मेरा वास्कुलर इंजुरी होगा, ठीक है, मतलब मेरा इंडोथेलियम क्या होगा डैमेज होगा, इंडोथेलियम डैमेज होगा तो क्या होगा ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो कैसे हम क्या करते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, तो लीकेज ऑफ ब्लड होगा यानी ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, ये अगर इंजरी हुआ तो क्या होगा मेरा ब्लड फ्लो करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है ब्लड फ्लो के बाद मेरा क्या करता है ये ब्लड वेसल्स क्या होता है मेरा कोलाइजन एक्सपोज होता है, ठीक है, सब इंडोथेलियल SEC सब इंडोथेलियल कोलाइजन एक्सपोज होता है और ये क्या करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि इस लीकेज जो ब्लड फ्लो कर रहा था ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और क्या होगा इस ब्लड फ्लो को मिनिमाइज करेगा, ये ब्लड फ्लो मेरा क्या करेगा अब कम करेगा क्योंकि मेरा जितना कट हुआ था उसको क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है वो सिकुड़ता है, ठीक है। देन प्लेटलेट्स क्या करेगा इंजर्ड साइट को डिटेक्ट करेगा एंड और क्या करेगा उस पर एडर करेगा, ठीक है, प्लेटलेट्स एडर टू द कोलाइजन एंड देन एडर के बाद क्या होता है एक्टिवेशन होता है, ठीक है, कुछ बुक्स क्या पहले एक्टिवेशन देता है तो इतनी सबसे पहले क्या होता है प्लेटलेट्स एडर करता है एंड देन एक्टिवेट करता है, उसके शेप एंड साइज में चेंजेस आता है, ADP रिलीज होता है, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 ADP हो गया, थ्रोम्बोक्सिन TXA थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, ये सब क्या होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स को एक क्या करता है एग्रीगेट करता है, ठीक है, मोर एंड मोर प्लेटलेट्स एग्रीगेट होता है, ठीक है, एंड देन क्या होता है प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, ठीक है। तो क्या करता है प्लेटलेट्स क्या करता है सबसे पहले एडर करेगा एट द साइट ऑफ इंजरी देन एक्टिवेशन होगा और रिलीज करेगा ADP थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है,
क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेट करेगा और एग्रीगेट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स, ठीक है, एडीपी एंथ्रोम्बोसिन A2 ये क्या करता है, मोर एंड मोर प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है, ठीक है, और इस तरह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि मेरा प्राइमरी हेमोस्टेसिस हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स, इन दोनों प्लेटलेट्स के बीच में क्या होता है, मेरा फाइब्रिन रीजन होता है, फिर देन क्या होता है, फाइब्रिन मेशवर्क फॉर्म होता है, और फिर इरिथ्रोसाइट जो मेरा है वो क्या होता है, ठीक है, ट्रैप्ड होता है और ये एक फॉर्म करता है क्लोट, दिस इज प्राइमरी हेमोस्टेसिस, यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है, प्राइमरी हेमोस्टेसिस हो गया। अब प्लेटलेट क्या करता है, फाइब्रिन से अटैच किया, फाइब्रिनोजन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कोगुलेशन फैक्टर को, यानी कि मेरा सेकेंडरी हेमोस्टेसिस स्टार्ट हुआ, ठीक है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस स्टार्ट हो गया। तो अब मेरा कोगुलेशन फैक्टर क्या करेगा, विल ट्रांसफॉर्म फाइब्रिनोजन इनटू पॉलीमर्स ऑफ फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में, ठीक है, फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, ठीक है, और ये फाइब्रिन क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाता है, देन फॉर्म करता है एक परमानेंट क्लोट, ठीक है, आफ्टर, अब ये क्लोट के बाद मेरा क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिस होता है, ठीक है, तो आफ्टर 24 टू 48 आवर्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी TPA क्या कर, और यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी क्या है, ये दोनों एक्टिवेटर क्या करता है, एक्टिवेट करता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में, ठीक है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में, और फाइब्रिन नेट जो मेरा था, फाइब्रिन मेशवर्क जो था वो क्या हुआ, विल अट्रैक्ट द प्लाज्मिन एंड विल डिस्ट्रॉय द फाइब्रिन नेट, और ये प्लाज्मिन वर्क करता है एज अ सीजर, ठीक है, ये क्या करता है, इस क्लोट को, इस थ्रोम्बस को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, डिसॉल्व करता है, ठीक है, और जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मेरा जो है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, FDP बोलते हैं जिसको, ठीक है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है, FDP ये क्या होता है, फाइगोसाइट हो जाता है, मैक्रोफाइज मेरा क्या करता है, इसको फाइगोसाइट कर लेता है, दस इस तरह से फिर मेरा क्या होता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो रीस्टार्ट हो जाता है, यानी और मेरा जो डैमेज इंडोथेलियम था वो क्या हो जाता है, रीजेनरेट कर जाता है, ठीक है, इसको ओवरऑल हम यहाँ पे समझते हैं क्या, आफ्टर इंजरी कोलेजन फाइबर गेट एक्सपोज, ठीक है, एंड प्लेटलेट स्टिक ऑन इट, प्लेटलेट इस पे क्या करता है, एडहर करता है, चिपकता है, ठीक है, और द प्लेटलेट्स रिलीज ADP, प्लेटलेट्स अब क्या करता है, रिलीज ADP रिलीज करता है जो अटैक करता है मोर एंड मोर प्लेटलेट्स, ठीक है, फॉर एग्रीगेशन, अब क्या होता है, एग्रीगेशन हो गया तो अब मेरा इंजर्ड ब्लड वेसल क्या हो जाता है, सील्ड हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, बाय द प्लेटलेट प्लग फॉर्म, इसके वजह से, और क्लोट इनिशियली ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, यानी मेरा जो टेम्पोररी क्लोट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, ये टेम्पोररी क्लोट है, अगर मेरा इंजरी बड़ा है तो क्या होगा, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होगा, अगर इंजरी माइनर है बहुत ही छोटा है देन प्राइमरी हेमोस्टेसिस, यानी प्लेटलेट प्लग क्या है, एनफ है, अकेले काफी है टू फॉर्म अ क्लोट, ठीक है, तो ये इनिशियली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बट इवेंचुअली क्या होता है, ये फॉर्म होता है, ठीक है, बाई रिट्रैक्शन, मतलब कि ड्यू टू फाइब्रिन पोलीमराइजेशन, फाइब्रिनोजन का कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, या और ये पोलीमराइज हो जाएगा फैक्टर 13 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये आपका पोलीमराइज हुआ और ये फॉर्म करता है एक परमानेंट क्लोट, ठीक है, अल्टीमेटली ये क्लोट क्या होता है, डिजोल्व होता है बाय फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है, ये इसकी वजह से डिजोल्व करता है, मेरा जिसमें प्लाज्मिन वर्क करता है डिजोल्व करने का, ठीक है, और ये रिप्लेस हो जाता है, इट इज रिप्लेस बाय कोलेजन फाइबर, इसी तरह से मेरा हेमोस्टेसिस ओवरऑल ऐसे वर्क करता है, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन कैस्केड को समझेंगे, ठीक है, और प्राइमरी हेमोस्टेसिस और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस को फिर से समझेंगे, थैंक यू।